मोहित सूरी पर फिर से लग सकता है प्लेजियरिज्म का आरोप। मोहित एक बार फिर अपनी एक फिल्म को लेकर फंस सकते हैं एक बड़ी कंट्रोवर्सी में। जी हाँ, जूम को सोर्स से खबर मिली है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख स्टार ऑफ फिल्म एक विलन एक कोरियन फिल्म आई सॉ द डेविल से इंस्पायर्ड है। सोर्सेस का कहना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफी कुछ इसी कोरियन फिल्म से मिलती जुलती है, जहां एक सीरियल किलर लड़कियों को बेरहमी से कत्ल करता है। फिल्म एक विलन में सीरियल किलर के रोल में एक्टर रितेश देशमुख नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के सामने आए फर्स्ट टीजर को भी देखकर साफ है कि फिल्म में विलन का रोल रितेश ही कर रहे हैं। कोरियन फिल्म आई सॉ द डेविल एक पॉपुलर फिल्म है। कोरिया में ही नहीं, इस फिल्म को ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑडियंसेस ने देखा हुआ है। ऐसे में अगर एक विलन और इस फिल्म में कोई सिमिलैरिटी नजर आती है तो मोहित सूरी के करियर पर एक बार फिर प्लेजरिज्म का दाग लग सकता है। वैसे भी फिल्म को रिलीज होने में काफी वक्त बचा है। फिलहाल फिल्म का सिर्फ एक टीजर सामने आया है, ऐसे में अभी ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। और हम भी यही आशा करेंगे कि मोहित सूरी इस फिल्म के जरिए इंडियन ऑडियंसेस को एक ओरिजिनल और थ्रिलिंग फिल्म ऑफर करेंगे। फकुनाल मांदेकर, जूम, मुंबई।